हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। ऑनर्स द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस, ठीक है बच्चे। मैं ठीक है, तुम क्या सी कि पिक्स शेयर कर दिया करो, मैं पिक्स के नाल ना, ठीक है, नाल तुम समझा भी रही हाँ टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना की टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस बच्चे, ठीक है। जो तुम ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जो तुम आ जाता है कि कनैटिक थ्यूरी फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस, कादी थ्यूरी थर्मल कंडक्टिविटी वास्ते, जा तुम आ जाता वै, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस। तभी तुम ठीक है, जो आप आर्टिकल नैक्सट करांगे उ करना है, ठीक है। तो आर्टिकल पहला थोड़ा थ्यूरी पार्ट है, ये मैं तुम इतने, ठीक है, नाल पेस्ट शेयर करके समझा दिनी हाँ, ठीक है। इन आप करना कि आप कंसीडर करना, कंसीडर टू लार्ज मैटल प्लेट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आप दो प्लेट लैनी है एक्स वाई प्लेन दे पैरेलल, जिम्मे आ दो प्लेन है, प्लेट्स है, एक टी वन है, एक का टैंपरेचर टी वन है, दूसरे का टैंपरेचर टी टू है। जी हॉटर प्लेट आ उपर वाला हॉटर प्लेट है, आफ्टर सम टाइम ए स्टडी स्टेट विल बी एस्टैबलिश इन विच देर इज अ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ हीट एट कॉन्सटेंट रेट। स्टडी स्टेट तो बच्चे की होंगे वे अपने को दोनों का टैंपरेचर सेम हो जूगा, ठीक है। टैंपरेचर सेम कदों होगा, उपर वाली प्लेट हॉटर है, ठीक है। टैंपरेचर सेम कदों होगा, जो इतों थोड़े जे हीट हीटेड मोलीक्यूल नीचे आएंगे, तो उन्हें यही लिखा कि स्टडी स्टेट में की होगा, देर इज अ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ हीट एट द कॉन्सटेंट रेट, नीचे नू हीट फ्लो होनी शुरू होगी। This flow of heat result from the fact that molecule at upper level have greater thermal energy than the lower level. ठीक है, heat flow नीचे नू क्यों हुंदी है, ताकि steady state आ जाए, क्योंकि molecule at upper level has the high thermal energy than the lower level. Molecule moving downward carry more energy than those moving upward. नीचे नू जुड़े molecule आनगे, वो ज्यादा energy carry करेंगे, ठीक है। दैन उस तो बाद की इमेजिन ए लार्ज नंबर ऑफ होरिजेंटल लेयर, इतने आप दो प्लेट्स की गल की सी, हूँ आप लैना लार्ज नंबर ऑफ होरिजेंटल लेयर, ठीक है। हूँ आप लार्ज नंबर ऑफ होरिजेंटल लेयर ले लेनी है, ठीक है। ईच सक्सैसिव लेयर एट ए स्लाइटली हायर टैंपरेचर टू वन बिलो इट, जी उपर वाली होगी लेयर टू हाई टैंपरेचर से होगी दैन लोअर वन, ठीक है। तो जो अपने को चेंज इन टैंपरेचर है बच्चे, मेडिकल वाले स्टूडेंट नू, ठीक है, दस दिनी हाँ मैं, जो चेंज होंगे उन्होंने आप डेरीवेटिव नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं। डी मतलब डेरीवेटिव, डेरीवेटिव मतलब डेल्टा, डेल्टा मीनस चेंज, चेंज मतलब टैंपरेचर दे चेंज, कि जो चेंज इन टैंपरेचर इट इज गिवन एज T2 - T1 ओवर जेड। सो टैंपरेचर एट एनी हाइट जेड, ठीक है बच्चे, इतों टी आ इक्वेशन चो T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, T2 जेड उधर चल जूगा T1, ठीक है बच्चे। तो यह सीगा अपने को थोड़ा जा इंट्रोडक्शनली पार्ट, ठीक है, कि आप पहला की कंसीडर किया, दो प्लेट्स है, एक प्लेट T2 अपर वन है, आ लोअर वन है, ठीक है। उस तो बाद आप कहता कि स्टडी स्टेट से की होगा कि मोलीक्यूल जो अपने को डाउनवर्ड फ्लो ऑफ हीट होना शुरू हो जूगा, मोलीक्यूल मूविंग डाउन हैज द लोअर एनर्जी दैन मोलीक्यूल मूविंग अप, एंड ठीक है, जो चेंज इन टैंपरेचर है, जो टैंपरेचर भी चेंज है, वो इदा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। उस तो बाद नैक्सट देखो, ठीक है, इफ द गैस इज मोनोटोमिक, आप गैस कंसिडर कर रहे हैं, यह कि अपने को गैस की लेयर है जो मोनोटोमिक है, इको एटम की बनी है, विद द एवरेज थर्मल एनर्जी उनकी किन्नी होगी 3/2 KT, ठीक है। ये पिछला ही ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है, एज इट इज याद रखना है, जो एवरेज एनर्जी ऑफ मोलीक्यूल एट ए डिस्टेंस जेड, ठीक है, डिस्टेंस जेड से किमें देवे, इतने टी की वैल्यू है ना, आ कनैटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी टैंपरेचर की वैल्यू पिछु पुट कर दो, पिछे आप टैंपरेचर की वैल्यू आह इतने पुट कर दो, T1 प्लस करली T/ करली जेड इंटू जेड, ठीक है बच्चे। द एनर्जी कैरिड बाय मोलीक्यूल एज इट पासिस थ्रू ए होरिजेंटल प्लेन ऑफ यूनिट एरिया एट ए हाइट जेड डिपेंड ऑन द टैंपरेचर, सो एनर्जी किधर डिपेंड करती पी है, एट ए हाइट जेड टैंपरेचर के उत्ते, ठीक है। द मोलीक्यूल गोइंग डाउन मेड देयर लास्ट प्लेन एट ए हाइट जेड प्लस लैमडा, आप तीन लेयर की गल की है, आ नीचे वाली लेयर जेड माइनस लैमडा डिस्टेंस से है, आ जेड डिस्टेंस से है, जेड प्लस लैमडा, मतलब इन्होंने सारे च अपने को किन्ना मीन फ्री पाथ का डिफरेंस है, लैमडा लैमडा, ये जेड इस लैमडा माइनस करता, ये उपर है लैमडा प्लस करता। द मोलीक्यूल गोइंग डाउन मेड दे लास्ट क्लेन एट ए हाइट जेड प्लस लैमडा, जो मोलीक्यूल नीचे आ रहे हैं
ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜੈਡ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਆ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਮੇਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੋਲਾਈਅਨ ਐਟ ਏ ਹਾਈਟ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨ ਫਰੀ ਪਾਥ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਆ ਲੈਮਡਾ ਹਾਈ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀਟ ਫਲੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਲਕਸ ਆਫ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤਾਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਊ ਕੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜੈਸਡ ਬਾਏ ਈਚ ਕੈਰੀਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆ ਕਿਆਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆਊ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਊ ਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿਆਊ ਤਾਂ ਕਿਆਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3/2 ਕੇ ਟੀ ਵਨ ਪਲੱਸ ਕਰਲੀ ਟੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਜੈਡ ਇੰਟੂ ਜੈਡ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਟੀ ਵਨ ਪਲੱਸ ਕਰਲੀ ਟੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਜੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਨੀਚਲੀ ਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਲੋ ਅਪਵਰਡ ਫਲੋ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਫਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਈਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ 1/6 ਇਜ਼ ਅ ਪੇਅਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ 1/6 ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1/6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹੀ ਹੈ ਫਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਡ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਤਾਂ ਜੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਫਲੋ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਵਰਡ ਫਲੋ ਮਾਈਨਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਲੋ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1/6 ਰੋ ਸੀ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਫ ਦਾ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਹੈਵ ਨੈੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਥਰੋ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ 1/6 ਰੋ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/6 ਰੋ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋਲ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 3/2 ਕੇ ਟੀ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਕਰਲੀ ਟੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਜੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਕੀ ਹੈ 1/6 ਰੋ ਸੀ ਬਾਰ 1/6 ਰੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫੋਰੀਅਰਸ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 9 and 10 ਜੋ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਰੋ ਸੀ ਲੈਮਡਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਓਵਰ ਐਨ ਏ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਰ ਓਵਰ ਐਨ ਏ
ठीक है, आप आर ओवर एन ए पुट कर देंगे तो अपने को की बच जूगा। ठीक है, आ थ्री बाय टू की जगह की पुट कर दो तुसी सी वी एम। ठीक है, सी वी एम बच्चे की है अपने को, ठीक है, ये अपने को होंगी है एवरेज वेलोसिटी होंगी है। ठीक है, तो इतने अपने को आ जूगा, इन जगह आप सी वी एम पुट किया थ्री एज इट इज रो सी बार लैमडा ओवर एन ए। ठीक है, फ्रॉम द कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज सी बार किंदे इक्वल है, ए एज इट इज याद रखना है सी है जो वो इनके इक्वल है, तो रो ओवर एन ए किंदे इक्वल है ए, ए की अपने को कंसंट्रेशन इतने पुट कर दो। ठीक है, रो इतने की पुट कर दो हूं। ठीक है, पुटिंग करने तो बच्चे पुटिंग बाद चो करा, पहले लैमडा की वैल्यू पुट कर दो, इतने हजे कुछ नहीं पुट करना, सी नू भी नहीं पुट करना, इनू भी नहीं पुट करना, ए एज इट इज ही रहेंगे, सी भी एज इट इज रहूगा, रो ओवर एन ए भी, बस लैमडा की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट टू सिग्मा रो, तो अपने को कैंसल रो ना रो हो गया, बच की गया अपने को दिस एक्सप्रेशन जो सिग्मा है वह किसी क्रॉस सैक्शन एरिया, तो एक इन कुल हों पाई डी स्केयर, इतने पुट कर दो पाई डी स्केयर। ठीक है, तो अपने को जो इक्वेशन आह 13 है, ठीक है, जो इक्वेशन 13 है, ठीक है, इट इज थर्मल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, के टी की है अपने को थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट है, इन प्रेशर का कोई भी वो नहीं है, रोल नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ठीक है बच्चे, ठीक है, सो दिस हैज बीन कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली, एंड सी वी एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो सी वी है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड इज कॉन्स्टेंट एक्सपेक्ट सी बार। ठीक है, तो अपने को सारा कुछ की है कॉन्स्टेंट है, रो ओवर एन ए की जगह ए पुट कर दो, सी पुट कर दो, सी बार पुट कर दो, एट के टी ओवर पाई एम की जगह, तो अपने को एक्सप्रेशन बच जूगा। ठीक है, तो यह सीगा अपने को कनेटिक थ्योरी फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस। ठीक है बच्चे, एक बार मैं दोबारा फटाफट रिवाइज करने चल रही हूं, पहला आप ले लिया कि दो लेयर है, एक आउटर है एक नीचे है, तो दोनों जो चेंज इन टेम्परेचर है उन्होंने आप इदा रिप्रजेंट करांगे, उन्होंने जो अपने को हीट एनर्जी है क्या हो या कह लो एवरेज एनर्जी है वह इनके इक्वल होएगी। फिर आप कहता सीगा कि आप तीन लेयर कंसिडर कर लें, एक हाइट जेड प्लस लैमडा, जेड ते जो अपने को फ्लो है फ्लक्स है वह इनके इक्वल है, क्या हो कि अपने को इनकेल जे तो अपवर्ड जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जे तो अपवर्ड फ्लो हो रहा है वह नीचे होगा जेड माइनस लैमडा, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो हाइट जेड प्लस लैमडा तो होगा, तो डाउनवर्ड फ्लो लिए जेड प्लस लैमडा, अपवर्ड फ्लो लिए जेड माइनस लैमडा, नैट फ्लो की होगा अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, उन्होंने दोनों माइनस कर देना, इतने आप लैके चलना जो आ वैल्यू है जेड प्लस लैमडा जेड माइनस लैमडा द इक्वल है, तो फैक्टर सारा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नहीं फैक्टर सारा सेम बैक चो बहर आ जूगा, अंदर सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अपने को जो नैट फ्लो है वह इनके इक्वल आ जूगा। ठीक है, इन अपने को के दी वैल्यू है। ठीक है बच्चे, बस हम सारा पेज नैक्सट की है के दी वैल्यू सिंपलीफाई करने लिए। ठीक है, के दी वैल्यू पहला तो तुम इतने के दी जगह आर ओवर एन ए पुट कर दो, आर ओवर एन ए जो पुट करता नैक्सट, ठीक है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो थ्री के नाल, ताकि जो थ्री बाय टू आर है उत्थे आप सी पुट कर सकी। ठीक है बच्चे, हीट कपैसिटी होंगी है, तो आप इतने वह पुट करता नैक्सट, उस तो बाद कुछ नहीं करना हजे, आ वैसे लिखा सिर्फ आप लैमडा की वैल्यू पुट करनी है, तो अपने को जो के एन इक्वल आ गया, तुम इतने भी लीव कर सकते हो कि जो के टी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, सो थर्मल कंडक्टिविटी है जो के टी थर्मल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज द एंड, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, जै भी कह सकते हो तुम दिस इज द, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द कनेटिक थ्यूरी फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, यही कनेटिक थ्यूरी भी है फॉर थर्मल कंडक्टिविटी लिए, यही एक्सप्रेशन भी है थर्मल कंडक्टिविटी का, बिकॉज के टी रिप्रजेंट द थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स।